हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं जो कि बिहार में जो है फिर से नई बम्पर वैकेंसी आने वाला है। यहां पे देख सकते हैं बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जो है राज्य के 12 जिलों में पूर्व से सृजित यातायात थानों के अतिरिक्त जो है अब 28 जिलों में, पहले ये 12 जिलों में ही था, अब जो है 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु जो है आवश्यक कुल 4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त सिर्फ 849 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा पूर्व से सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्माण निर्धारण करने के संबंध में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है आपको 4215 पद जो है वो फिर से इसमें ऐड होने वाला है। तो अब देखना यह है जो कि इसके मार्फत लेता है या मतलब जो कि कहने का जो कि अभी जो नया वैकेंसी बिहार दरोगा का आने वाली है उसके तहत ये होता है या इसका अलग से वैकेंसी निकाला जाएगा, ये अभी इसमें तो क्लियर नहीं है। ये मगर ये जो है वो इसको जो है आपको रोस्टर इसका जो है वो क्लियरेंस मिल चुका है। अब ये देखना है जो कि इसकी बहाली कब तक आती है, मगर उम्मीद यही किया जा रहा है जो कि 21,000 समथिंग जो बहाली है उसकी जब प्रक्रिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये नया बहाली आने की उम्मीद बनती है। तो अब ये देखना है जो कि ये कब तक आता है। तो चलिए, यदि कोई भी न्यूज़ मिलती है तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।